तो दोस्तों स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल सरकारी टेक पर। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के द्वारा पीजी एडमिशन के लिए आपको इनवाइट किया गया है। 19 अक्टूबर से शुरू है एप्लीकेशन फॉर्म भरना, तो चलिए उसकी पूरी जानकारी आपको इस नोटिस में मिलेगी। तो दोस्तों देख सकते हैं ये जो है 19 अक्टूबर को पब्लिश हुई है, तो इसमें लिखा है नोटिस, पहले लिखा है पीजी एडमिशन एप्लीकेशन, दोस्तों आपको बता दें, फिर आगे लिखा है एप्लीकेशन फॉर एडमिशन इन द पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज इन द यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट एंड डिफरेंट कॉलेजेज फॉर द पीजी सेमेस्टर 1 सेशन 2021-23 आर इनवाइटेड फ्रॉम 19 अक्टूबर 2021। तो दोस्तों आपको बता दें, जो पीजी के लिए आप सेमेस्टर 1 में एडमिशन लेना चाहते हैं सेशन 2021 से 23 के लिए, तो दोस्तों आपको बता दें जो आप एप्लीकेशन कर सकते हैं 19/10/2021 से, मतलब 19 अक्टूबर से आप एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है दोस्तों, आज से शुरू होने वाली है और शुरू हो चुकी है। फिर आगे लिखा हुआ एप्लीकेंट आर डायरेक्टेड टू रीड द इंस्ट्रक्शन वेरी केयरफुली बिफोर फिलिंग द फॉर्म। तो दोस्तों आपको बता दें, यदि आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आप इंस्ट्रक्शन को केयरफुली पढ़ लीजिएगा फिर अप्लाई कीजिएगा। फिर यहाँ लिखा व्हाइल फिलिंग द फॉर्म फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी टेकन केयर। तो दोस्तों आपको बता दें, ये दो पॉइंट आपको मस्ट टेकन है, मतलब इसको आपको लेके चलना है। फिर यहाँ लिखा है कैटेगरी कास्ट एज इट कांट बी चेंज फर्दर। तो दोस्तों आपको बता दें, कैटेगरी और कास्ट आपको कभी चेंज नहीं करना है, नहीं तो आपका रिजेक्ट हो सकता है एडमिशन एप्लीकेशन। फिर आगे लिखा है मार्क्स फिलिंग बाय यू फुल मार्क्स ऑफ कोर पेपर्स एंड मार्क्स ऑब्टेन इन कोर पेपर। दोस्तों आपको बता दें कि आपका जो कोर पेपर का सब्जेक्ट मार्क्स आया उसको भी आपको एडिट नहीं करना है अपने से, और कहीं से भी आपको एडिट नहीं करवाना है। फिर आगे दोस्तों यहाँ देख सकते हैं लिखा एनी मिस्टेक इन दिस मे काउज रिजेक्टेड योर एप्लीकेशन। दोस्तों आपको ऊपर में जो दिया गया है वो दोनों में से आपको कोई भी एडिट किया हुआ है और मिस्टेक किया है तो आपका जो एप्लीकेशन एडमिशन रिजेक्ट हो सकता है। फिर आगे यहाँ देखिए लिखा है नोटिस फॉर पीजी एडमिशन, पीजी एडमिशन के लिए नोटिस दिया है कब से जो है, कब तक लास्ट डेट है और कब से एप्लीकेशन शुरू होगा उसकी पूरी जानकारी यहां आपको मिलेगी। तो दोस्तों पहला में दिया है लास्ट डेट फॉर द फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म, तो जो लास्ट डेट है वो 26 अक्टूबर तक चलेगी और जैसे कि मैंने बोला स्टार्ट होने जा रही है 19 अक्टूबर, मतलब आज से ही स्टार्ट हो चुकी है। वहीं दोस्तों देखते हैं पोर्टल फॉर एप्लीकेशन इन पीजी वाइल क्लोज्ड ऑन। तो दोस्तों आपको बता दें चांसलर पोर्टल जो क्लोज हो जाएगा 26 अक्टूबर को क्लोज हो जाएगा शाम 6 बजे। फिर आगे लिखा है पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, मेरिट लिस्ट दोस्तों 28 अक्टूबर को पब्लिश हो जाएगी। वहीं डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ एडमिशन, तो दोस्तों बता दें मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद आपका जो एडमिशन है 29 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें, यदि आपका लास्ट डेट ऑफ एडमिशन आपको जो है एडमिशन 29 अक्टूबर से शुरू होगा और लास्ट डेट रहेगा 13 नवंबर तक आप एडमिशन ले सकते हैं। वहीं दोस्तों छठा में दिया डेट फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन आप 16, 18 और 20 नवंबर को करा सकते हैं। उसके बाद क्लासेस स्टार्ट कब से होगा, वहाँ दिया क्लासेस स्टार्ट 22 नवंबर से आपको क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। वहीं दोस्तों आप बात करते हैं फॉर एनी प्रॉब्लम फील फ्री टू कॉन्टैक्ट, दोस्तों आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप चांसलर पोर्टल से इन नंबरों में संपर्क कर सकते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ अजय कुमार शर्मा नोडल ऑफिसर चांसलर पोर्टल विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग। तो दोस्तों ये था नोटिस पीजी एडमिशन के लिए, आप यदि पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं 2021-23 के सेशन में तो आप इन्वाइटेड हैं विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग। 19 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा, चांसलर पोर्टल का एडमिशन शुरू हो चुका है। तो चलिए दोस्तों नोटिस अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के अंडर में जितने भी कॉलेज जाते हैं आपके सभी के नोटिफिकेशन आपको इस चैनल में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।